जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आईटेल ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया S23 Plus के नाम से, जिसके अंदर ऐसा रहने वाला कि आपको सिर्फ 13,000 रुपए की प्राइस में उसके अंदर कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी उसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले है। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा रहेगा, कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आईटेल का इस नए स्मार्टफोन का नाम है आईटेल S23 Plus और ये अभी अमेजोन के ऊपर आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। वैसे इसकी जो नॉर्मल प्राइस है 14,000 रुपए है, लेकिन अगर आप कुछ कार्ड ऑफर लगा देते हो तो आप इसे 13,000 रुपए की प्राइस में ऑर्डर कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस स्मार्टफोन के साथ आपको फ्री में एक TWS ईयरबड भी देखने को मिलेगा, जो कि आईटेल की तरफ से ही आता है और जिसकी प्राइस बताई जा रही है 1100 रुपए। यानी कि 13,000 रुपए में आपको कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन भी मिल जाएगा और 1100 रुपए का एक TWS वाला ईयरबड भी देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। इसका सबसे मेन हाईलाइट रहने वाला है इसका डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर आपको 6.78 इंच का Full HD+ रेजुलेशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि कर्व्ड डिस्प्ले रहने वाला है। तो काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से इसका जो फ्रंट लुक है काफी अच्छा रहने वाला है। बैक में भी आपको काफी अच्छा लुक जो देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ जो मेन कैमरा 50 MP का मिल जाएगा और एक सेकेंडरी कैमरा भी मिल जाएगा, और फ्रंट में आपको 32 MP का एक जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको यूनिसॉक का T616 वाला जो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, वो बजट प्रोसेसर रहने वाला है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है इतना ज्यादा आप उम्मीद मत करना, परफॉर्मेंस इसका नॉर्मल सा ही रहने वाला है। नॉर्मल सी मल्टीटास्किंग करनी हो, कुछ वीडियोस वगैरह देखने हो, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर आप हैवी टास्क इसमें यूज करना चाहते हो या फिर गेमिंग करना चाहते हो, हैवी गेमिंग करना चाहते हो, तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है बजट प्रोसेसर है। और बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर जो है आपको 5000 mAh की बैटरी तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर 18 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है, कम से कम 33 W की फास्ट चार्जिंग दे दी होती तो काफी अच्छा हो जाता। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी और NFC का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इस प्राइस में इस तरह की चीजें मिलना काफी यूनिक हो जाता है। और इसके अंदर आपको 8 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अच्छी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी आपको 2 साल की वारंटी दे रही है और 100 दिनों का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी फ्री में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, ये 4G स्मार्टफोन ही रहने वाला है। वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो लेटेस्ट तरीके मिलने वाली है, लेकिन आपको इसमें 4G का सपोर्ट ही देखने को मिलेगा और सिंगल स्पीकर इसके अंदर देखने को मिलेगा। बस ये थोड़ा सा पतला रहेगा और वेट में भी ज्यादा नहीं रहने वाला, लगभग 180 ग्राम का ही रहने वाला है। तो दोस्तों, ये तो होगी इसके फीचर्स। अब प्रोज और कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला जो प्रोज है वो इसका डिस्प्ले, क्योंकि कर्व डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रोज इसका डिस्प्ले ही रह जाता है। दूसरा है कि इसके अंदर आपको 256 GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी इसका प्रोज बन जाता है। तीसरा ये है कि इसके अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में इस तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाना काफी अच्छी बात है। दोस्तों, अगला प्रोज है कि इसके साथ आपको फ्री में TWS ईयरबड भी देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रोज ये है कि इसके अंदर आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ इसके जो मेन प्रोज रहने वाले हैं। अब कॉन्स की बात कर ले तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो कॉन है वो ये है कि इसकी जो फास्ट चार्जिंग है वो 18 W की देखने को मिलने वाली है। अगली जो कमी है वो ये है कि इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। वैसे ऑफलाइन में इस रेंज में 5G स्मार्टफोन बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, ऑनलाइन तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल भी जाएंगे, तो इस हिसाब से 5G वाली जो बात है वो आप इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के लिए 5G जरूरी हो जाता है इस प्राइस रेंज में, तो आप इस स्मार्टफोन को तो बिल्कुल मत खरीदना। लेकिन अगर आप ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो जिसमें कर्व डिस्प्ले मिल जाए और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का स्मार्टफोन चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर, बाकी लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को ये खत्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।